हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ साबूदाना पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है साबूदाना के पापड़ बनाना। आप इसे फास्ट या नॉर्मल आप कभी भी खा सकते हैं। ये बच्चे से लेकर बड़े सभी पसंद करते हैं। आपने देखा होगा ना अक्सर मार्केट के जो हम साबूदाना पापड़ खरीदते हैं उसमें बिल्कुल खड़े खड़े साबूदाना रहते हैं कि जो बिल्कुल मुँह में डालने से बिल्कुल हार्ड लगते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये आप बच्चे और बूढ़े जिनके दांत भी नहीं है ना वो सभी पसंद करते हैं, बिल्कुल मुंह में डालने से घुल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इतना देर क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं साबूदाना के पापड़। साबूदाना पापड़ बनाने के लिए हमने 1 kg साबूदाना ले लिया है। आपके पास जो भी साबूदाना है, आप कोई भी साबूदाना ले सकते हैं, मोटा या पतला। तो हमने इसको बड़े बर्तन में ले डाल लिया है और इसको 2 से 3 बार अच्छे साफ पानी से धुल लिया है ताकि ये पूरा जो गंदा रहा साबूदाना का वो निकल गया। ये हम देखिए, पूरा गंदा पानी इसमें हमने निकाल लिया है दूसरे गंजे में। साबूदाना को इतना पानी भरकर रख देंगे कि अच्छे से ये पानी में डूब जाए 8 से 10 घंटे के लिए। जैसे कि आप ओवरनाइट तक के लिए भी इसको रख सकते हैं, कम से कम 8 से 10 घंटे तो इसको ज़रूर रखें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जितना अच्छा ये फूलेगा उतने ही अच्छे हमारे पापड़ बनेंगे। 8 से 10 घंटे तक हमने इसको रखे रहने दिया था। ये देखिए, अच्छा पूरा साबूदाना अच्छे से टूट रहा है। तो बस हम इसमें पानी इतना लिए हैं, हमने इसका लेवल देखिए, 2 लाइन आ रही है ना हमारे हाथ उंगली की, वो उतना पानी लिया है। पानी हमें इसमें कम नहीं रखना फ्रेंड्स, क्योंकि पानी यदि कम रखेंगे तो अच्छे से हमारा पापड़ नहीं बनेंगे। तो बस हमने इसको गैस में गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू स्लो ही रखना है क्योंकि नीचे से साबूदाना लग सकता है। तो और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, तेज वह नहीं रखना है। 8 से 10 मिनट बाद हम इसमें सेंधा नमक ऐड कर देते हैं, जो भी आप उपवास में खाते हैं ना। तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून सेंधा नमक ऐड कर दिया है। ऐसे हम नमक डाल देते हैं ना तो ये उपवास वगैरह में भी खा सकते हैं। तो हमने 8 से 10 मिनट बाद हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं। शुरू में ही हम इसमें नमक डाल देते हैं तो अच्छे से ये मिक्स हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस इसको हम बीच बीच में बढ़िया से चलाते जाते हैं फ्रेंड्स। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी देर बाद इस तरीके से होने लगता है, थोड़ा थोड़ा इसमें ट्रांसपेरेंट कलर आने लगता है। इसकी मेन खासियत यह है कि आपको ये जब साबूदाना पापड़ बनाएंगे ना तो ये जो वाइट वाइट जो दाने दिख रहे हैं ना साबूदाना के, ये नहीं दिखना चाहिए। थोड़ी देर बाद आप आगे देखिए, वीडियो में बने रहिए, या आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि ये हमारा जो बैटर है ना किस तरीके से हो जाएगा धीरे धीरे। इसको हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे बढ़िया से उबलने देते हैं। बस इसका नीचे से है ना जो चम्मच, उसको चलाते रहना है ताकि ये जो नीचे से साबूदाना ना लगे। ये देखिए, लगभग आधा घंटे बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, ये जो साबूदाना है ना ये पूरा घुल जाना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। इसका मेन ट्रिक यही है कि ऐसा होगा तभी आपके साबूदाना जब पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं ना, उसके बाद वो खाने में बिल्कुल मुंह में जाने से घुल जाते हैं। तो ऐसा जो बढ़िया से घुल जाएगा ना तो तभी आपके पापड़ अच्छे लगेंगे, क्रिस्पी। और यदि आपको अच्छा फ्लेवर देना है तो हमने 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। काली मिर्च पाउडर ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट कलर आ गया है ना। यदि आपका इसमें पानी ज़्यादा हो गया है तो आप इसको और उबाल दें, धीरे धीरे वो पानी उड़ जाएगा। या नहीं तो पानी नहीं ख़त्म हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए पापड़ बनाने से पहले थोड़ा सा ऐसे ही रख देंगे तो वो थोड़ा सा अपनी आप, साबूदाना तो गाढ़ा होता ही है, वो गाढ़ा हो जाएगा। तो हमारा बढ़िया से बैटर गाढ़ा हो चुका है। तो हम धूप में एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बिछा दिए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ये कलछुली की हेल्प से ये थोड़ा थोड़ा ऐसा डालते जाते हैं साबूदाना पापड़ का ये बैटर। ये अपनी आप शेप ले लेता है, इसमें आपको चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चम्मच ऐसे लें और इसको नीचे डाल दें। तो ऐसे हमने सारे पापड़ बना लिया है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी मेन खासियत ये है कि आपके पास यदि जैसे धूप नहीं है, शहरों में धूप की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो आप इसको फैन में भी यदि सुखाएंगे ना तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, दिक्कत नहीं होता, ख़राब नहीं होते।
ठंड के दिनों में तो थोड़ा टाइम लगता है, गर्मी के दिनों में तो 2 से 3 घंटे में ही बनकर पूरे रेडी हो जाते हैं। इसको देखा, 2 से 3 घंटे में ये अपनी आप ऐसे मुरझाए जैसे हो जाएंगे, शिंक हो गए हैं ना, दिख रही होंगे। तो बस इसको हम थोड़ी देर बाद पलटाएंगे ताकि दूसरे तरफ भी इसमें धूप लग जाए। ये इस तरीके के हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको पलटाएंगे। तो हमने देखा ये ऊपर से ऐसे थोड़ा सा सिकोर टाइप के गए हैं, तो हम इसको सबको पलटा देते हैं ताकि दूसरे साइड भी इसमें धूप लग जाए। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगा आपको। ठंड के दिनों में थोड़ा सा टाइम लगेगा सुखाने में, लेकिन गर्मी के दिनों में तो 2 से 3 घंटे में ही ये पूरे पापड़ आगे पीछे बढ़िया से सूख कर रेडी हो जाते हैं। ये सारे के सारे हमने पापड़ को पलटा लिया है, ये हमारे पापड़ बढ़िया से सूख कर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए हमारे सारे पापड़ बढ़िया से रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे। एक भी इसमें साबूदाना नहीं दिख रहा है ना, कि साबूदाना इसमें दिख रहा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट होंगे तो तभी हमारे मुंह में घुल जाते हैं खाने से। हमारा ऑयल बढ़िया से गर्म हो चुका है और इसमें हम ये पापड़ को भी मैंने डीप फ्राई करके बताया है ताकि आपको पता चले कि कितने अच्छे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है रियली खाने में, बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं और बूढ़े भी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स प्लीज़। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आप लाइक करते हैं ना वीडियो को तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंडियन रेसिपीज विद सीमा को। ये देखिए तोड़ने में भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और खाने में तो एकदम लाजवाब, मुँह में पानी आ जाता है सच में इसका नाम लेते ही। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ओके फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।